तो बीपीएससी में मेरा नहीं निकला और आरआरबी सीनियर सिक्स इंजीनियर मेडिकली अनफिट हो गया। इस बीच मेरा असिस्टेंट कमांडेंट में भी हुआ था और उसका फिजिकल हम नहीं देने गए थे क्योंकि मेरा आईसाइट ज़्यादा था और जो मेरे एक सीनियर थे जैसे साइज वो बोले कि शायद इंजीनियरिंग ट्रेंड के लिए ये एग्ज़ाम भी नहीं है, ये आर्मी टाइप का जॉब है और जो तुम्हारा जो इंजीनियरिंग ब्रांच है उसके लिए सूट भी नहीं करेगा। तो जलपाईगुड़ी में उसका मेडिकल देने जाना था और आईसाइट मेरा थोड़ा ज़्यादा था तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेजर से सॉल्व हो जाता है उसमें, लेकिन फिर भी मतलब मेरा इतना ओवर कॉन्फिडेंस और केयरलेसनेस इतना केयरलेस अपने कह रहे हैं मत पूछे, हम नहीं गए उसका मेडिकल देने और फिर तो वो तो मौका हम गंवा ही दिए हैं। और इधर बीपीएससी में मेंस क्वालिफाई हुए थे हम पर इंटरव्यू मेरा हुआ नहीं तो अलग सेटबैक था और आरआरबी सीनियर सिक्स इंजीनियरिंग में इंटरव्यू में हम ये मेडिकल में अनफिट हो गए। अब तो बिल्कुल पैर के नीचे कुछ भी नहीं, ज़मीन नहीं और पूरा हालत खराब, पेरेंट अलग फ्रस्ट्रेटेड और कहीं मतलब बहुत बुरा हालत बहुत। फिर मेरा एक जो फ्रेंड जिसका मेरे साथ रेलवे में भी हो गया था सात दिन जो झांसी में हम दोनों साथ थे एनआईटी पटना के अंदर होते हैं उसका ईएस में भी हो गया, फिर हमसे उससे कुछ टिप्स माने और वो बहुत ज़बरदस्त लड़का है, वो अभी मेरे साथ है और उसमें पूरा मटेरियल हमको भिजवा दिया और उसी से हम देखे कि वो स्टिल कवर भी नहीं किया था और उसके बावजूद भी ईएस निकाला, वो इसी से हम सीखे कि आपका जितना भी सिलेबस हो बेस्ट कंप्लीटेड हो। और वो पता है बहुत मेहनत किया था वो, सीरियसली बहुत मेहनत किया तो सही बात है, आप मेहनत करते हो तो आप डिज़र्व करते हैं और हम तो यहाँ पे घर पे अपने ख्याली पुलाव में जी रहे थे कि सब कुछ ऐसे ही हो जाता है, पूरा लाइफ मेरा ऐसे ही था, सब कुछ ऐसे ही हो जाता है। उसमें जो हो गया सो हो गया, लेकिन मेरा केयरलेसनेस का आदत नहीं थी, जो हो जा रहा था हो जा रहा था पर जो नहीं हो जा रहा था उसको हम कन्वर्ट भी नहीं कर पा रहे थे हो जाने, ये एकदम मेरे लाइफ का फीचर रहा। हम हमेशा केयरलेस, हमेशा ओवर कॉन्फिडेंट, हमेशा समझे कि सिस्टम से बड़ा हम खुद हैं, हम जो चाहेंगे वैसे ही जो चाहेंगे सो कर लेंगे। और हमेशा मेडिकल के केस में भी वही हुआ और ईएस के केस में भी वही हो रहा था। तो फिर हम उससे कुछ टिप्स लिए, वो बताया मेंस का और वही जो कहा कि जो बुक को कंप्लीट कर लो मेंस हो जाएगा, तो सीरियसली चेंज आया। हम नेक्स्ट टाइम ईएस दिए तो ठीक है फाइनली चेंज नहीं, पर मार्क्स से बहुत चेंज आया, बस कुछ मार्क्स से ही मेरा हम रिटर्न क्वालिफाई नहीं किए तो बहुत प्रोग्रेस आया सीरियसली। पर वही वो टिप्स दिया ना, वो सारा मटेरियल भेजा तो हम ज़बरदस्त हम भी मेहनत किए, मतलब पर इतना मेहनत किए हो तो क्वालिफाई कर ही जाते हैं ना, अब कितना मेहनत किए पर किए तो प्रोग्रेस तो पहले से आया। तो ये मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की कहानी है ईएस की। अब ये थर्ड था, मैक्सिमम दे चुके थे हम, फिर अपना आदमी मतलब इधर उधर धंधा पानी जो भी है, तो फिर उसके बाद मेरा उससे अच्छा प्रोग्रेस कभी गया नहीं वही। और फिर हम एक साल मेडी जी एक बार फिर 2017 में बीपीएससी का वैकेंसी निकला, गवर्नमेंट जॉब में तो आपको जाना ही। अब फिर भाई ने सजेस्ट किया भाई मेडी जी ज्वाइन कर ले और लास्ट टाइम है ज़बरदस्त थे, फिर हम मेडी जी ज्वाइन कर लिए। अब मेडी जी में सुबह के 8 से शाम के 8 बजे क्लास होता था, क्लास तो कर रहे थे पर वही है कि अब यंग वाला तो था नहीं, 11 के पास आउट थे, 17 का टाइम आ चुका था, अब कितना भी अब करिएगा क्या कीजिए। वही सामने आया थका हारा और भाई ओवर कॉन्फिडेंस, आपको इतना तो आता ही है कि टेस्ट पेस आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। पर वही बात था कि शायद एज मतलब समय निकल चुका था, उतना एनर्जेटिक आप थे नहीं। तो वही है कि जो बच्चे नए नए थे वो पूरा रात पढ़ते थे और वही है कि हम 11-12 बजते बजते सो जाते थे, फिर सुबह क्लास करना था तो अब इतना क्लास करना है तो ये पॉसिबल नहीं कि आप पूरे रात पढ़ के जाए और क्लास भी करें, नेचुरल ये गलत भी नहीं है क्योंकि आप उस हालत में जाएगा तो आपको पूरा दिन नींद आएगा, फिर क्लास सफ़र होगा और फिर जब क्लास सफ़र होगा तो फिर वही फिर आपका पूरा दिन भर का मेहनत बेकार हुआ कि क्लास भी जा रहा है और रात में आप ढंग से पढ़ भी नहीं पा रहे। पर ये होता है जब सुबह से 8 से रात के 8 क्लास कीजिएगा तो नेचुरल से बात है कि खुद सेल्फ स्टडी के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। तो फिर जैसे तैसे वही बात है, जो प्रॉब्लम था 100% कहेंगे कि मतलब जो एक्सपेक्टेड होता है वही था कि पूरा रात जगना पड़ेगा और वो मेरे से नहीं हो पा रहा था। और दूसरा बात है कि पहला कॉन्फिडेंस था, मतलब इतना मटेरियल तो आपके दिमाग में आ ही जाता है कि आप कॉन्फिडेंटली लाइफ जी सकते हैं, आपको सिलेक्शन का तरीका भी पता चल जाता है, आपको पता है कि क्या क्वेश्चन भी आ जाता है, लेकिन फिर भी आप फ्रेशर होता है और 2-3 साल के बाद आपके लिए सेमी एग्ज़ाम निकलना इतना आसान काम नहीं होता। तो फिर मेडिसिन दिए, सुबह 8 से 8 क्लास किए, वहाँ पर पीजी ले लिए थे, उस पीजी में खाना का क्वालिटी वैसा ही था, पढ़ाई लिखाई आप इतने घंटे के बाद क्या कर सकते हैं, वही तो चलता रहा मेरा ईएस का सफ़र ये। पर वही फाइनली कहानी है कि इतना कुछ करने के बाद जब शुरू किया आप 3-4 साल में नहीं निकाल पाए ना तो फिर आप कभी नहीं निकाल पाएंगे, चाहे आप पूछना है तो मार्क्स कितना भी क्लोज मेरा आ रहा था पर फाइनल हम सिलेक्टेड नहीं हो पा रहे थे। उसका रीज़न ये था कि शुरू के टाइम में हम कोचिंग नहीं गए और घर पर हम उतना वेल फोकस थे नहीं। और आप ईएस और आईएस का मटेरियल दोनों एक साथ ले आइएगा, ये सिविल इंजीनियरिंग के साथ फिजिक्स मटेरियल मैथमेटिक्स का भी ले आइएगा और जब फ्री टाइम होगा तो फिजिक्स भी पढ़िएगा और मैथ्स भी पढ़िएगा, तो रिजल्टेंट यही होगा पूरे दिन भी आप नल्ले ही रह जाएगा। इसी को फोकस्ड कहते हैं, इसी को अपने गोल के लिए। और मेरे फ्रेंड दिल्ली गए कोचिंग में थे, 100% सिर्फ ईएस के लिए डिवोटेड थे, सिविल इंजीनियरिंग पढ़ते थे, तो देखिए वो लोग कहाँ गए और हम देखिए जिंदगी और नल्ले बने ही गए।
अभी भी बीपीएससी का मेंस देखे सेकंड टाइम और अभी भी फाइनल रिजल्ट का वेट कर ही रहे हैं। तो आप सोचिए 10 साल बीत चुका है लगभग, तो एक बार जो आप मिस्टेक करते हैं वो इतना आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ता है। देखिए इस पर हुआ तो हुआ, नहीं तो अभी जिस जॉब में उसी में रहेंगे और पूरा दिन भी अपने दर्द की कहानी सुनाते रहेंगे कि पढ़ने के टाइम में हम क्या करते थे। वही बात है, तो हमेशा वही है, वेल फोकस्ड रही, अपना एक गोल बनाई 100% है, फिजिक्स मैथ IAS UPSC और इसमें अभी तो हम IAS की कहानी नेक्स्ट वीडियो में बता रहे हैं, अभी तो IAS का ही कहानी चल रहा है कि हम करते क्या थे। वही ऑब्जेक्टिव का प्रॉब्लम हमेशा रहा, वही ऑब्जेक्टिव मार्क्स कितना मेहनत किया मेरा बढ़ नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे कंसेप्ट में प्रॉब्लम था। कंसेप्ट का प्रॉब्लम इसलिए नहीं था क्योंकि हम बेसिक फंडामेंटल सही नहीं कर पा रहे थे, उसका रीज़न ये भी था कि 4 साल हम मेहनत नहीं किए थे और अब हम मेहनत कर भी रहे थे, धीरे धीरे टाइम निकलता जा रहा था। तो वही आप एक चीज़ को पकड़िएगा दूसरा छूटता है, दूसरे को पकड़िएगा पहला छूटता है, जिससे कि 2 साल के बाद तो हमको पता ही चला कि मेंस की तैयारी कैसे करते हैं। वो भी मेरा फ्रेंड हमको बताया था, वो शुरू के 2 साल जो हम उसी की वजह से मेरा बीपीएससी का मेंस भी करा हुआ है, क्योंकि हमको पता ही नहीं था कि मेंस किस बुक से करना और कैसे करना। और जब वो फ्रेंड बनाया और उस बुक को हम कंप्लीट किए तो मेंस में, लेकिन तब तक बीपीएससी मेरा निकल चुका था। और IAS में वही बात है कि आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आप कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, तो अब निकालना कितना आसान काम भी नहीं था, क्योंकि अब पछतावा होत क्या जब चिड़िया चुग गई थी। तो IAS की कहानी अब नेक्स्ट वीडियो में।